वीगनिज्म के बारे में आप हमसे तो कुछ ना कुछ सुनते ही रहते हैं, पर मुझे लगता है ये बात बहुत एक तरफा है, इसलिए हमने सोचा क्यों ना जो लोग वीगन नहीं है उनका पक्ष भी सामने रखा जाए। महू आपको पता है वीगन क्या होता है? सिर्फ सब्जियां, मतलब मांस मच्छी नहीं। वीगन नहीं, आपको पता है वीगन क्या होता है? यार वीगन वो होते हैं जो शायद डेयरी प्रोडक्ट्स भी यूज़ नहीं करते हैं, गैस या सिर्फ वो करते हैं कुछ ऐसा कुछ। विदाउट एग्स, विदाउट डेयरी एंड नॉन वेजिटेरियन डाइट, इट्स लाइक वीगन डाइट जो खाते हैं, जो एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं कंज्यूम करता। तो लोग वीगन क्यों हो जाते हैं? प्रेफरेंस है अपना, चॉइस ऑफ फूड है, मे बी टेस्ट है, और आजकल एक और चीज़ है कि पीपल वांट टू ट्राई न्यू एक्सपीरियंस की क्या है वेज कीटो ये वो। वेट लूज करने के लिए हो जाते हैं, हेल्थ के लिए, एनवायरनमेंट के लिए। वीगन नॉर्मली इसलिए होते हैं बिकॉज जो लोग समझते हैं कि एनिमल्स के साथ जो वो होता है अन्याय टाइप्स होता है वो सब, उस वजह से कोई कोई हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है कि मांस नहीं मानना है, और लोग लिविंग थिंग्स है तो इसकी वजह से। मुझे ये जान के बड़ी खुशी हुई कि अधिकांश लोगों ने वीगन शब्द सुना हुआ था, और उसमें तो बहुत से लोग ये भी समझते थे कि भाई वीगन हो जाना किसी की खाने पीने की पर्सनल चॉइस नहीं है, बल्कि जो लोग नहीं चाहते कि उनकी सो कॉल्ड पर्सनल चॉइसेस की वजह से जानवरों को दर्द हो, हानि पहुंचे, वो लोग वीगन हो जाते हैं। और आप इस बिलीफ से अग्री करते हैं? आई अग्री, बट आई ऑल्सो मुझे ऐसा भी लगता है कि रियलिटी फेस करनी चाहिए कि हम सब साथ में जीते हैं, हम चिकन भी खाएंगे, मटन भी खाएंगे, साथ में जिए और खुश रहें। सिर्फ इंसान या चिकन्स और गाय और बकरियां वगैरह भी? अगर वीगन बिलीफ को अगर फॉलो करें तो सब साथ में रहे, वैसे भी चिकन भी, मटन भी, जो गोट्स हैं और हम भी। और आप इस सोच से सहमत हैं लोगों की? नहीं हम लोग फूड चेन की पार्ट है, सो ऐसे नहीं सोचना चाहिए, है ना? ऐसे ही कोई किसी को मार के ऐसे खा रहा है ना, दैट्स द चेन, ऐसे ही हो रहा है। तो जैसे जानवर वगैरह को दर्द हो रहा है तो क्यों, तो फिर हम लोग पेड़ उगा के अगर पेड़ उठा के अगर उसको उठा के खा रहे हैं तो फिर पेड़ को भी शायद दर्द हो रहा होगा, तो क्या हम बिना खाए पी रहे हैं? आइडियली हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि हम ट्रॉमा देते हैं और वो सब करते हैं, तो वो गलत है। क्या जो उनकी आइडियोलॉजी है कि जानवरों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, इससे सहमत हैं? ऑफ कोर्स आई एम, मतलब मैं इस चीज़ से बहुत अग्री करती हूँ। मैं तो पहले ही वेजिटेरियन हूँ, नॉन वेजिटेरियन तो कभी थी नहीं, तो वीगन तो ज़्यादा ही अच्छा होगा, छूटता नहीं है बहुत सारी चीज़ें। पर आप इस आइडियोलॉजी से अग्री करते हैं? डेफिनेटली वी एग्री विद इट। वेजिटेबल्स खाना अच्छा है, और बाकी चीज़ों को हर्ट ना करना या कुछ ना खाना, चिकन ना खाना, मटन ना खाना बेटर है, तो आई गेस वीगन होना अच्छा है। तो वेजिटेरियन से ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि वो मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं खाते हैं। सच में बोल रहा हूँ, मैं दूध पी लेता हूँ, मैं घी खा लेता हूँ, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अभी वीगन के स्टेज में जाऊँ। तो आप वीगन हैं? अभी मैं पूरी तरीके से वीगन नहीं हूँ। पहले मैं अंडे खाता था, अभी अंडे भी बंद हो गए मेरे। नॉनवेज तो नहीं खाता था क्योंकि पंडित था, पर अभी हो रहा है, कोशिश हो रहा है चीज़ों का। तो आप वीगन नहीं है? नहीं हूँ। ऐसा क्यों? ज़रूरी नहीं होता है कि जो अच्छा लगे वो बनना ही पड़ता है। आई वॉन्ट टू बिकम अ वीगन, बट मैं अपने आइडियाज़ को जो मैं सोचता हूँ अभी मैं फॉलो नहीं कर पा रहा, लेकिन वन डे। मेरी मॉम काफ़ी अच्छा नॉनवेज बनाती है, सो इट वाज रियली हार्ड फॉर मी, बट आई एम ट्राइंग इट एंड आई रियली वांट टू बिकम वीगन एक्चुअली। आप लोग वीगन क्यों नहीं है? क्योंकि वी लव चिकन। इट्स अ बेटर ट्रुथ, वी नो वी आर डूइंग सम सिंस, बट इट्स ओके। क्यों नहीं है? बिकॉज कई चीज़ों के मुझे अल्टरनेटिव्स नहीं मिले, कई जैसे दूध वगैरह के तो मिल गए, जैसे पनीर या चीज़ के मुझे ऐसे अल्टरनेटिव नहीं मिले जो फीजिबल हो। मैं चाहती तो मैं वीगन हो सकती, बट मुझे चिकन की खुशबू इतनी अच्छी लगती है कि मैं चिकन खा लेती हूँ। मैंने बहुत सर्च किया वीगन प्रोडक्ट्स वगैरह देखे, तो मुझे काफ़ी कॉस्टली लगे। इंडिया में थोड़ा वीगनिज्म मुश्किल है। अब ये भी बात बहुत अच्छी है कि जो लोग वीगन नहीं भी हैं वो भी इस आइडिया से सहमत हैं। हाँ, ये बात अलग है कि भाई बचपन की आदत की वजह से या स्वाद से या घर वालों से मजबूर होकर वो ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिससे फिर जानवरों को दर्द होता है। इंडिया में वीगन होना मुश्किल है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास काफ़ी वेजिटेबल्स वैरायटीज है, काफ़ी अवेलेबल है, बाहर की कंट्रीज़ में होता नहीं है। तो आपको लगता है इंडिया में वीगन होना मुश्किल है? मुश्किल है, बस इंडियन डाइट लाइक दूध और मक्खन के साथ बहुत फॉलो करती है,
जो अगर शुरू से डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करते आ रहा है तो उसके लिए आई थिंक बहुत डिफिकल्ट हो जाता है वीगन होना। तो आदत छोड़ना मुश्किल है? जी, आदत छोड़ना मुश्किल है। हमारे जो बचपन से ही हमको सिखाया गया ना, दूध पियोगे तो शक्ति आएगी, जो एड्स चले हैं रोज खाओ अंडे, पर ऐसा नहीं है यार, आप वेजीज खाओगे सब खाओगे उससे भी पावर आएगी। मैं अभी अपनी मदर को बोलता हूँ कि मिल्क नहीं पीना, कि तो वो भी मेरे को डांटती हैं कि मिल्क क्यों नहीं पीना क्यों, बचपन से वही उनके अपब्रिंगिंग है कि वो शुरू से ही मिल्क पीते आए हैं। अगर मनी पॉइंट देखोगे तो शायद है थोड़ा, अगर आप चाहते हो तो आप हर चीज़ का सस्ते में जुगाड़ कर सकते हो, इंडिया में हो सकता है सब कुछ। क्या वीगन होना महंगा है? बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ पे वेजिटेबल्स काफ़ी सस्ती है। महंगा तो नहीं है वीगन होना सस्ता है, बिकॉज वेजिटेबल्स कंज्यूम करना सस्ता है। नहीं, महंगा तो बिल्कुल भी नहीं है, उल्टा सस्ता है वीगन होना तो आपको लगता है वीगनिज्म महंगा है? या महंगा तो है। आपको लगता है जैसे सड़क के साइड में जो लेबर जैसे काम कर रही होती है, वो फिट होते हैं? हाँ, जैसे लेबर हार्ड वर्क करते हैं, फिट तो होते हैं। तो उनकी डाइट प्राइमरीली, मुझे लगता है उनकी डाइट प्राइमरीली वेज, लाइक स्प्राउट्स, दाल वगैरह ऐसी होती है, तो प्राइमरीली वीगन ही रहती है। वीगन ही रहती, क्योंकि वो शाही पनीर नहीं खा रहे, पिज्ज़ा नहीं खा रहे, चिकन विकन नहीं खा रहे। तो फिर भी आपको लगता है कि वीगन होना मुश्किल या महंगा है? अच्छा क्वेश्चन था ये। तो अगर हम मोटा मोटा देखें तो अपने खाने से चीज़ें घटाना ना सिर्फ सस्ता है बल्कि आसान भी। हाँ, अगर मुश्किल है तो उन चीज़ों की आदत छोड़ना। पर देखिए, अगर हम अपनी आदतों को छोड़ने की आदत आज डालेंगे तो ही तो हम कल कामयाब होंगे।